राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने विपक्ष को मर्यादित आचरण करने के लिए कहा, वहीं विपक्षी सांसदों ने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर का रास्ता स्वीकार किया। इससे पहले जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूं कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज से समझती हूं और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूं। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं लेकिन हम आपके साथी हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not accepted. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jayaji. And I remember when Jayaji, I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. इस पर सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा, जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए, आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखी हैं। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। सभापति धनखड़ ने कहा कि यह आचरण एक वायरस की तरह है, अगर इस वायरस को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा। जया जी, a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. I will not bear it. You, one second.